बेटमा नगर में मंगलवार से सूर्यवंशी कुमरावत तंबोली समाज के भव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, जिसके अंतर्गत भगवान राम, लक्ष्मण, सीता मैया सहित हनुमान जी और भगवान भोलेनाथ की पिंडी के साथ नगर भ्रमण किया गया। शोभा यात्रा में सभी समाजजन विशेष परिधान में नजर आए। वहीं शोभा यात्रा में शामिल हुए विधायक विशाल पटेल भी जमकर थिरके और भोजन प्रसादी भी परोसी। मंदिर प्रांगण से शुरू हुई शोभा यात्रा नगर के विभिन्न मार्गों से होकर पुनः स्थान पर समाप्त हुई। इस दौरान सभी श्रद्धालु भक्त गीतों पर जमकर झूमे। वहीं महिलाओं और बालिकाओं ने ढोल व डीजे पर खूब गरबा नृत्य भी किया। शोभा यात्रा का अनेक स्थानों पर पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में भगवान राम जी की चली झांकी भी आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा में चल रहे घोड़ा घोड़ी का नृत्य भी लोगों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। बैठवा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। आज सूर्यवंशी कुमरावत तंबोली समाज जो बैठना में स्थित है, एक भव्य सवारी आज जो निकली है, राम दरबार की पुनः नई स्थापना मंदिर में होना है, जो कि करीब 300 वर्ष पुराना जो मंदिर था उसका जीर्णोद्धार किया गया है। पूरा संपूर्ण समाज एकत्रित किया है। मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और मैं मेरी ओर से यहां लगातार निरंतर पूरा कुमरावत समाज मेरे टच में है। जब भी कोई बड़ी प्रगति की बात आती है तो इनका अगर मैसेज मेरे पास आता है तो मंदिर के प्रति हो, धर्म के प्रति हो, हम सब सहभागी उस पर बनते हैं। मैं ढेर सारी शुभकामनाएं पूरे समाज को देता हूं। तंबोली मंदिर में किया जा रहा है, जो दिनांक 13/12/2021 तक प्रारंभ होकर 18/12/2021 का समापन होगा। सभी कार्य तंबोली समाज के द्वारा किया जा रहा है। आज पूरे नगर में भगवान की झांकी सजाई गई है। भोलेनाथ थे, राम दरबार, पूरे नगर का भ्रमण किया, जिसमें सभी लोगों ने इसका स्वागत किया है। पूरे नगर में घूमती वापस कुमरावत तंबोली समाज मंदिर में इसका समापन हुआ है। दिनांक 18/12/2021 को तंबोली मंदिर में विशाल भंडारे का आयोजन होगा। ये इंदौर जिले के बेटमा नगर में सूर्यवंशी कुमरावत तंबोली समाज का मंदिर, राम मंदिर, राम दरबार प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव चल रहा है, जो कल से शुरू हो चुका है, जो 13 से 18 तक लगातार चलेगा। आज नगर में पूरे मूर्तियों का भ्रमण हुआ है। 300 साल पुरानी मूर्तियां थी, छोटी छोटी थी, इस बार युवकों ने नई मूर्तियां लाए हैं और उसकी स्थापना इस मंदिर में की जाएगी, तंबोली समाज बेटमा। और इस कार्यक्रम में आसपास के करीब 9 गाँव की पंचायत के सभी तंबोली समाज के लोग पधारे हैं और यहाँ पर ये प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। 6 दिन लगातार हवन चलेगा और इस पूरे कार्यक्रम में किसी भी तरह का कोई मजदूर नहीं किया है हमने। सारा कार्य पूरा 10 दिन से लगा के तो 18 तारीख तक पूरा समाज के लोग, बच्चा बच्चा, महिलाएं सब कर रही है। रात रात भर उनकी सजावट और जो भी कार्यक्रम है महिलाओं के द्वारा, पूरे समाज का सामूहिक कार्यक्रम है। ये ठेके से देने वाला कार्यक्रम नहीं है या किराए से करने वाला कार्यक्रम नहीं है। ये समाज की एकता और इसकी अटूट आस्था का प्रतीक है, जो यहाँ बैठना में देखने को पहली बार मिल रहा है। आज जो कार्यक्रम हुआ है नगर भ्रमण, उसमें हिंदू, मुस्लिम और सभी पार्टी, सभी जाति के लोगों ने इसका भव्य स्वागत किया है। ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि राम दरबार के लिए आज सारा नगर एक हो चुका है। सारा तंबोली समाज एक था, उसकी वजह से सारा नगर एक हो चुका है। सारे नगर को मैं धन्यवाद देता हूँ तंबोली समाज बैठमा की तरफ से, सूर्यवंशी कुमरावत तंबोली समाज बैठमा की। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।